और मुझे नहीं लगता कि इस पूरी शताब्दी में उनसे अच्छा ओरेटर कोई हुआ है वो मेस्मराइज करते थे जब वो पब्लिक मीटिंग में भाषण देते थे और हाजिर जवाब नहीं तो उनका कोई जवाब नहीं था पार्लियामेंट में देखते थे तो उनको बुलाने में, में मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगता था मैं बार बार उनके पास जाता था तो क्या नहीं साहब हम नहीं हम नहीं आना चाहते क्यों अरे आप साहब हमारा मजाक उड़ा देंगे तो मैं कहता अटल जी कौन आपका मजाक उड़ा सकता है फाइनली काफ़ी करते करते एक बार मैं बहुत सारी चिट्ठियाँ लेकर उनके पास गया मैंने कहा देखिए है अटल जी ये हज़ारों लोगों ने मुझे चिट्ठियाँ लिखी हैं आपको बुलाने के लिए कहने के साहब जिसके पास जाते हैं उसकी चिट्ठियाँ ले जाते हैं अब मैं देख रहा था कि उनकी बातों का जवाब देना बड़ा मुश्किल था फाइनली वो आपकी अदालत में आए और चूँकि हाजिर जवाब थे बहुत अच्छा बोलते थे पर्सनलिटी बड़ी अच्छी थी फेस व्यूअर फ्रेंडली तो वो प्रोग्राम बहुत बड़ा हिट हुआ उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए तेरह दिन प्रधानमंत्री रहे लेकिन जो असली बात जो पर्दे के पीछे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपकी अदालत के उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद तेरह दिन वो रहे उसके बाद एक डिनर था उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे देवगौड़ा उन्होंने मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के लिए डिनर बुलाया था उसमें उन्होंने मुझे इन्वाइट किया तो वहाँ अटल जी ने मुझे देखा और थोड़ा ऐसे उनका अंदाज़ था अटल वाले चेहरे में आप हाज़िर होइए तो मैंने जी, कहा जी कहाँ हाज़िर होना है आप हमारे सामने हाज़िर होना है तो मुझे लगा कि मैंने बहुत उल्टी सीधे सवाल पूछे थे मैंने उनसे पूछा था कि आपके चेहरे की लाली का हाथ क्या है तो वो नाराज़ होंगे ज़रूर मुझे डांटे तो मैंने कहा जी मैं आ जाऊँगा टाइम लेके गया तो मैंने कहा कि जो आपने बुलाया था कहिए हमें आपसे कुछ कहना है और आज आप सुनेंगे आप बोलेंगे नहीं तीन बातें हमें आपसे कहनी है पहली बात यह कि हम आपके आभारी हैं हमारे प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आपके अदालत के कार्यक्रम से शुरू हुई यह इतनी बड़ी बात थी कि मैं सन्नाटे में आ गया अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ मैंने कहा टल जी आपकी पचास साल की तपस्या है उन्हें कहा नहीं साहब इस कार्यक्रम के बाद हमने देश की जनता की आंखों में परिवर्तन देखा दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं क्षमा प्रार्थी हैं कि तेरह दिन प्रधानमंत्री रह रहे आपसे मिले नहीं तो मुझे लगा इतनी बड़ी बात मैंने कहा आप इतने दूर में बहुत सारे लोग आपको मिलना चाहते होंगे तो कोई बात नहीं नहीं मिलना चाहिए था और तीसरी बात उन्होंने हाथ बढ़ाया हम आपसे मित्रता करते यह घटना ऐसी थी जिसने मुझे दो तीन दिन तक सोने नहीं दिया मैं सोचता था कि इतने बड़े आदमी इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझे कही है उनको कोई जरूरत नहीं थी ये बातें कहने की मेरे दिल में उनका मान तब भी उतना ही रहता सम्मान तब भी उतना ही रहता लेकिन उन्होंने ये बात कह के ये बता दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है कितने उदार उनका व्यक्ति